हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो रुपेश की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन आलू, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे ये बैंगन आलू। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने बैंगन इस तरीके से काट के रख लिए, और इसको मैंने जो है ना पानी में डाल के रख रखा था, जाके जो है हम इस तरीके से बैंगन पानी में डालते हैं तो काले नहीं पड़ते। और इसी में मैंने आलू काट लिए, तो मैं इनको इस तरीके से पानी में डाल के रख दिया था। ये देखिए मैंने आलू भी जो है ना लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिए थे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है ना कढ़ाई ली है, इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब जब हमारा तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे जीरा आधा चम्मच। उसके बाद हमने जो जो है ना हरी मिर्ची और लहसुन ले रखा था, 3 हरी मिर्ची और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, तो इनको हम इसी तरीके से भूनेंगे। और एक प्याज डाल रखी है हमने जो बारीक काट के है, इसको हम जो है ना भून लेते हैं जब तक इनका कलर जो है ना चेंज नहीं हो जाता। तो थोड़ा थोड़ा हमारी प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप यहाँ पर स्किप कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डालूंगी मैं मिर्ची, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको हम सभी को मिक्स कर लेते हैं मसालों को। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जो है ना हमारा भून के अच्छा सा तैयार हो जाए। और आप बैंगन आलू इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं बैंगन आलू। अगर आप नहीं खाते तो इस तरीके से ट्राई करके देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और आप खाना फिर कहोगे कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे। तो आप जो है ना तभी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी, ये हमने आलू और बैंगन को काट रखा था। अब इसमें हम मसाले के साथ इनको सभी को मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना, सिर्फ इस तरीके से ही पकाने हैं। और गैस की फ्लेम आप बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देना, स्लो गैस पे पकाएंगे हम इनको। तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, मैं इसी मसाले में इसको कवर करके स्लो गैस पे पकाऊंगी, 6 से 7 मिनट पकाऊंगी। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है मसालों के साथ, देखिए, और इतना बढ़िया कलर आता है इसका, कोई और मसाले में नहीं डालूंगी। तो इसको मैं जो है ना 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर दिया था, और आप एक बार बीच में चला दीजिएगा। तो ये देखिए जो मेरे बैंगन आलू जो है ना बनके तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। आलू अब जब छोटे या कैसे भी आप किसी भी तरीके से कैसे काट सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लंबे लंबे आलू काट रखे थे। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 टमाटर जो बड़े साइज का था, तो इसको मैं कवर कर देती हूँ। सिर्फ हमें 2 मिनट के लिए कवर करना है इसको, ताकि टमाटर हमारा गल जाए। तो ये देखिए सब्जी बिल्कुल हमारी बन के तैयार हो चुकी है। लग रही है ना देखने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, और सिंपल सी है हमारी, कुछ ऐसा कुछ है नहीं है, इतना इजी तरीका है ये बनाने का। तो अब इसमें मैं चॉप किया हुआ ये धनिया डाल रही हूँ। आप इसको रोटी चपाती के साथ किसी के साथ एंजॉय कीजिएगा। ये देखिए अब गैस को हम कर देंगे बंद। अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो सब्जी है ना बिना पानी के इतनी बढ़िया बन गई, आलू भी और बैंगन हमारे दोनों गल चुके थे।
तो ये देखिए मेरी आलू बैंगन की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पहले एक बार ही बना के देखिएगा फिर बताइएगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए रुपेश की रसोई में।